वेलकम गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है, नर्वस सिस्टम के अंदर अपन प्री मोटर एरियाज के बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। किसके, सेरेब्रम के जो प्री मोटर एरियाज हैं उनके बारे में क्या है डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने मोटर एरियाज ऑफ सेरेब्रम के बारे में डिस्कस कर लिया था, तो आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है, प्री मोटर एरिया, प्री मोटर एरियाज के बारे में आज अपन क्या है डिस्कस करेंगे। तो प्री मोटर एरिया क्या होता है, कहाँ पे होता है, दिस इज लाइज इन द फ्रंटल लोब। कहाँ पे प्रेजेंट होता है ये एरिया जो है अपना, कहाँ से स्टार्ट होता है, जो अपना फ्रंटल लोब है वहाँ पे क्या है ये स्टार्ट होता है, इमिडिएटली एंटीरियर टू द मोटर एरिया। और कहाँ क्या रहता है, दिस लाइज इन द फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब में प्रेजेंट रहता है, इमीडिएटली एंटीरियर टू द मोटर एरिया। एंटीरियरली में किसके किसके रहेगा, मोटर एरिया के। द सेल आर थ्रो द एक्सेट ए कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस ओवर द मोटर एरिया एंश्योर एन ऑर्डर सीरीज ऑफ मूवमेंट। एग्जाम्पल क्या है, इन टाइंग ए शू लेस, जो शू लेस है राइटिंग में मैनी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बट द मूवमेंट मस्ट बी कोऑर्डिनेट एंड कैरिड आउट ए पर्टिकुलर सीक्वेंस। क्या है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं किंतु जो इनके जो मूवमेंट्स हैं वो क्या है, कोऑर्डिनेट होते हैं और क्या है, कैरी आउट होते हैं पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर। इन द लोअर पार्ट ऑफ द एरिया, जो लोअर पार्ट का जो एरिया है ऑफ दिस एरिया जस्ट अबव मूवमेंट नेसेसरी फॉर स्पीच, जो किसके लिए नेसेसरी है, स्पीच के लिए। इट इज डोमिनेंट इन द लेफ्ट हेमिस्फीयर इन राइट हैंड पीपल एंड वाइस विसरा। ये किस पे यह है डोमिनेंट होता है, इन द लेफ्ट हेमिस्फीयर और इन राइट हैंड पीपल एंड वाइस विसरा। तो प्री मोटर एरिया के अंदर क्या होता है, जो प्री मोटर एरिया है वो कहाँ पे सिचुएटेड रहता है, लाया जाता है फ्रंटल लोब के अंदर, इमीडिएटली एंटीरियर की साइड में होता है, किसके, मोटर एरिया के अंदर। जो सेल है, सेल आर थ्रो द एक्सट्रेट ए कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस ओवर द मोटर एरिया एंश्योरिंग एंड ऑर्डर सीरीज ऑफ द मोमेंट। एग्जाम्पल क्या है, जो शू की जो लेस है और जो अपन लिखते हैं वो क्या है, शू की लेस है और जो अपनी राइटिंग है, मैनी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, बट द मूवमेंट मस्ट बी कोऑर्डिनेट एंड कैरिड आउट इन पर्टिकुलर सीक्वेंस। वो क्या है, कैरिड आउट होती हैं किसमें, पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर। इन द लोअर पार्ट ऑफ दिस एरिया जस्ट अबव मूवमेंट नेसेसरी फॉर स्पीच, जो लोअर पार्ट का जो एरिया है जस्ट अबव मूवमेंट नेसेसरी किस चीज़ के लिए, स्पीच के लिए। इट इज डोमिनेंट इन द लेफ्ट हेमिस्फीयर इन राइट हैंड पीपल एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट है फ्रंटल एरिया। फ्रंटल एरिया कहाँ से होता है, दिस एक्सटेंड एंटीरियरली फ्रॉम द प्री मोटर एरिया टू इंक्लूड द रिमाइंडर ऑफ द फ्रंटल लोब। कहाँ से एक्सटेंड होता है, दिस एक्सटेंड एंटीरियरली फ्रॉम द प्री मोटर एरिया, प्री मोटर एरिया का जो एंटीरियर पार्ट है वहां से एक्सटेंड होता है और कहाँ तक जाता है, टू इंक्लूड द रिमाइंडर ऑफ द फ्रंटल लोब, फ्रंटल लोब तक जाता है। इट इज़ ए लार्ज एरिया एंड इज मोर हाईली डेवलप्ड इन ह्यूमन देन इन अदर एनिमल्स। ये क्या है, लार्ज एरिया होता है, ठीक है, और हाईली डेवलप्ड, ज़्यादा डेवलप होता है किस में, इन ह्यूमन, किसकी तुलना में, अदर एनिमल्स की तुलना के अंदर क्या है, जो फ्रंटल एरिया है वो ज़्यादा डेवलप होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। इट इज थ्रो द
कम्युनिकेशन बिटवीन दिस एंड द अदर रीजन इन द सेरिब्रम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिहेवियर करेक्टर एंड इमोशनल स्टेट ऑफ इंडिविजुअल. इट इज थ्रू द कम्युनिकेशन बिटवीन दिस एंड अदर रीजन इन द सेरिब्रम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बिहेवियर. किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? बिहेवियर के लिए, करेक्टर के लिए, इमोशन स्टेट जो अपने हैं उस चीज़ के लिए. सारे का सारा जो है वो अपना फ्रंटल लोब जो एरिया है वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल होता है. नो पर्टिकुलर बिहेवियर करेक्टर और इंटेलेक्चुअल ट्रेट हैज सो फार बीन एडमिट टू द एक्टिविटी ऑफ एनी ग्रुप ऑफ सेल. तो फ्रंटल एरिया के अंदर क्या होता है, दिस एक्सटेंड एंटीरियरली फ्रॉम द प्री मोटर एरिया. कहाँ से स्टार्ट होता है? एंटीरियरली फ्रॉम द प्री मोटर एरिया से. और कहाँ तक जाता है? टू इंक्लूड द रिमाइंडर ऑफ द फ्रंटल लोब. फ्रंटल लोब तक जाता है. इट इज ए लार्ज एरिया, इज मोर हाईली डेवलप इन ह्यूमन देन अदर एनिमल्स. ये क्या होता है, जो अपनी ह्यूमन बॉडी है उनके अंदर क्या है, ज़्यादा डेवलप होता है. किसकी तुलना के अंदर? एनिमल्स की तुलना में. इट इज थ्रो दैट कम्युनिकेशन बिटवीन दिस एंड द अदर रीजन इन द सेरिब्रम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बिहेवियर करेक्टर एंड इमोशनल स्टेट ऑफ द इंडिविजुअल. सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ के लिए होते हैं ये? बिहेवियर करेक्टर, ठीक है, जो अपने इमोशनल स्टेट है किसी इंडिविजुअल की, उसके लिए क्या है, जो फ्रंटल एरिया है जो सेरिब्रम का, वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल होता है. नो पर्टिकुलर बिहेवियर, केवल पर्टिकुलर बिहेवियर के लिए नहीं. करेक्टर ऑफ इंटेलेक्चुअल ट्रैक्ट हैज सो फार बीन एट्रिब्यूटेड टू द एक्टिविटी ऑफ एनी ग्रुप ऑफ सेल. नेक्स्ट है सेंसरी एरिया ऑफ द सेरिब्रम. सेंसरी एरिया के अंदर क्या क्या चीज़ आती हैं? द सेंसरी एरिया, दिस इज द एरिया बिहाइंड द सेंट्रल स्किल. सेंट्रल स्किल के पीछे क्या है, ये अपना सेंसरी एरिया स्टार्ट होता है. हेयर सेंसेशन ऑफ पेन. सेंसेशन में क्या क्या चीज़ होती है? पेन होता है, टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, टच होता है, नॉलेज ऑफ मस्कुलर मूवमेंट एंड द पोजिशन ऑफ जॉइंट आर प्रिजर्व. तो सेंसरी एरिया के अंदर अपन क्या क्या चीज़ इंक्लूड करते हैं? द सेंस हेयर सेंसेशन ऑफ पेन, पेन का सेंसेशन, टेम्परेचर का सेंसेशन, प्रेशर, टच, नॉलेज ऑफ मस्कुलर मूवमेंट, जो अपने मसल्स का जो मूवमेंट हो रहे हैं उनका नॉलेज, एंड द पोजीशन ऑफ जॉइंट आर प्री रिसीव्ड. द सेंसरी एरिया ऑफ द राइट हेमिस्फीयर रिसीव द इंपल्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी एंड वाइस वर्सा. जो सेंसरी एरिया है किसका? राइट हेमिस्फीयर, वो कहाँ से रिसीव करता है इंपल्स? लेफ्ट साइड से. लेफ्ट साइड की बॉडी जो है वहाँ से कौन रिसीव करता है? राइट हेमिस्फीयर रिसीव करता है. द साइज ऑफ द एरिया रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंड ऑफ सेंसरी इनर्वेशन. एग्जाम्पल, लार्ज एरिया ऑफ द फेस इज कॉन्स्टिट्यूट विद द एक्सटेंसिव सेंसरी नर्व सप्लाई by the three branches of the terminal nerve, fifth cranial nerve.
तो सेंसेशन के अंदर अपन क्या है, टच है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, ठीक है, नॉलेज है किसका, मस्कुलर मूवमेंट जो अपने बॉडी के हो रहे हैं उनका अपने को क्या है पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये सारी सारी चीज़ें किसमें आती हैं अपने सेंसरी एरिया के अंदर आती हैं। जो राइट हेमिस्फीयर है वो रिसीव करता है इम्पल्स कहाँ से, लेफ्ट साइड के बॉडी से, ठीक है। जो द साइज ऑफ द एरियाज रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द एक्सटेंट ऑफ सेंसरी इंटरवेंशन। ए लार्ज नंबर ऑफ द फेस, ए लार्ज एरिया ऑफ द फेस इज कॉन्स्टिट्यूट विद द एक्सटेंसिव सेंसरी सप्लाई। जो अपनी फिफ्थ क्रेनियल नर्व है वो क्या है, उसको नर्व सेंसेशन मेंटेन करती है। पैराइटल एरिया, पैराइटल एरिया के अंदर क्या है, दिस लाइज बिहाइंड द पोस्ट सेंट्रल एरिया एंड इंक्लूड द ग्रेटर पार्ट ऑफ द पैराइटल लोब ऑफ द सेरिब्रम। जो पैराइटल एरिया है वो कहाँ पे होता है, दिस लाइज बिहाइंड द पोस्ट सेंट्रल एरिया। जो पोस्ट सेंट्रल एरिया है किसका, वहाँ पे क्या है ये अपना पैराइटल एरिया स्टार्ट होता है, एंड इंक्लूड द ग्रेटर पार्ट ऑफ द पैराइटल लोब ऑफ द सेरिब्रम। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, ग्रेटर पार्ट ऑफ द पैराइटल लोब ऑफ द सेरिब्रम। जो सेरिब्रम का जो अपना क्या है पैराइटल जो लोब है वो क्या है इसके अंदर अपना इंक्लूड होता है। इट्स फंक्शन आर बिलीव टू बी एसोसिएटेड विद द ऑब्टेनिंग एंड रिटेनिंग एक्यूरेट नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका जो फंक्शन है वो क्या है, जो अपना एक्यूरेट नॉलेज है किसका, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, उस पर क्या है मैन फोकस रहता है। इट हैज़ बीन सजेस्ट दैट ऑब्जेक्ट कैन बी रिकॉग्नाइज बाई टच अलोन बिकॉज ऑफ द नॉलेज फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस मेमोरी रिटेन्ड इन दिस एरिया। ये क्या सजेस्ट करता है, इट हैज़ बीन सजेस्ट दैट ऑब्जेक्ट कैन बी रिकॉग्नाइज बाई टच अलोन बिकॉज ऑफ नॉलेज फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस। जो अपने पीछे का एक्सपीरियंस जो है, जो अपनी मेमोरी है, पीछे का जो अपना एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग क्या है ये सजेस्ट करता है किसको, ऑब्जेक्ट को। तो पैराइटल एरिया में क्या है, दिस लाइज बिहाइंड द पोस्ट सेंट्रल एरिया एंड इंक्लूड द ग्रेटर पार्ट ऑफ द पैराइटल लोब ऑफ द सेरिब्रम। जो ये एरिया है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, बिहाइंड द पोस्ट सेंट्रल एरिया से, ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, पैराइटल लोब ऑफ द सेरिब्रम, ग्रेटर पार्ट है किसका, पैराइटल लोब का, ठीक है, वो क्या है इसमें इंक्लूड होता है। इट फंक्शन आर बिलीव टू द एसोसिएट विद द ऑब्जेक्टिंग ऑब्टेनिंग एंड रिटेनिंग एक्यूरेट नॉलेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। एक्यूरेट जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का क्या है अपने को एक्यूरेट रिजल्ट निकालना है। इट हैज बीन सजेस्ट दैट ऑब्जेक्ट कैन बी रिकॉग्नाइज बाई टच अलोन बिकॉज ऑफ द नॉलेज आर पोस्ट
knowledge from past experience retained in the area. नेक्स्ट है अपना सेंसरी स्पीच एरिया. सेंसरी स्पीच एरिया के अंदर क्या होता है? दिस इज सिचुएटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ द पैरेटल लोब एंड एक्सटेंड इन टू द टेम्पोरल लोब. ये कहाँ पे सिचुएटेड रहता है? दिस इज सिचुएटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ द पैरेटल लोब. जो लोअर पार्ट है किसका? पैरेटल लोब का. एंड एक्सटेंड इन टू द टेम्पोरल लोब. कहाँ तक जाता है? टेम्पोरल लोब तक जाता है. इट इज हेयर दैट द स्पोकन वर्ड इज प्रिजर्व्ड. क्या है यहाँ पे? जो स्पोकन वर्ड है वो क्या है? प्रिजर्व होते हैं. देर इज ए डोमिनेंट एरिया इन द लेफ्ट हेमिस्फीयर इन राइट हैंडेड पीपुल एंड वाइसरा. यहाँ पे क्या है? देर इज ए डोमिनेंट एरिया इन द लेफ्ट हेमिस्फीयर इन राइट हैंडेड पीपुल एंड वाइसरा. नेक्स्ट है ऑडिटरी एरिया, हियरिंग एरिया. स्पीच का मतलब क्या? बोलना. हियरिंग का मतलब सुनना. दिस इज लाइज इमिडिएटली बिलो द लेटरल स्क्यूज विद द टेम्पोरल लोब
The cell receive an interrupt impulse transmitted from the inner ear by the auditory part of the vestibular nerve at the cranial nerve. कहाँ पे सिचुएट होता है? इमीडिएटली बिलो द लेटरल टेम्पोरल बोन पे, ठीक है, किसके साथ? ठीक है, रिसीव क्या करता है? इम्पल्स रिसीव करता है, ट्रांसमिट करता है इनर एयर के द्वारा, ठीक है, और कौन सी नर्व होती है यहाँ पे? एट क्रेनियल नर्व प्रेजेंट होती है. नेक्स्ट है ओल्फैक्टरी एरिया. ओल्फैक्टरी एरिया के अंदर क्या होता है? दिस लाइज डीप विद इन द टेम्पोरल लोब वेयर इम्पल्स फ्रॉम द नोइस वाइज द ओल्फैक्टरी नर्व फर्स्ट क्रैनियल आर रिसीव एंड इंटरप्ट. क्या है ओल्फैक्टरी के अंदर? क्या है? स्मेल. स्मेल कहाँ से अपने को पता चलता है? ओल्फैक्टरी नर्व जो फर्स्ट क्रैनियल नर्व है वो क्या करती है? रिसीव करती है. नेक्स्ट है टेस्ट का. जो टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो क्या करते हैं? जो अपनी टेस्ट का पता चलता है उनमें कैसे? दिस इज थ्रो द लाइट जस्ट अबव द लेटरल स्केल्स इन द डीप लेयर ऑफ द सेंसरी एरिया. ठीक है, दिस इज द एरिया वेयर इम्पल्स फ्रॉम द स्पेशल नर्व एंडिंग इन टेस्ट बर्ड्स इन द टंग एंड इन द लाइनिंग ऑफ द चीक प्लेट एंड फेरिंग्स आर प्रिजर्व एज ए टेस्ट. क्या टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे? स्पेशल नर्व एंडिंग होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं? टेस्ट बर्ड्स बोलते हैं. जो कहाँ पे रहती हैं? टंग के जो एंड जो पार्ट्स हैं वहाँ पे क्या है? वो टंग पे जो हैं क्या रहती हैं? प्रेजेंट रहती हैं. ठीक है, और वो क्या है अपने को टेस्ट के बारे में पता लगता है उससे अपने को. नेक्स्ट है विजुअल एरिया. विजुअल एरिया के अंदर क्या होता है? ऑप्टिक नर्व होती है जो सेकेंड क्रेनियल नर्व होती है वो क्या करती है? पास करती है किसको? इम्पल्स को रिसीव करती है, पास करती है, जिससे अपने को क्या है? विजुअल इम्प्रेशन बनता है. तो जो विजुअल एरिया उसमें क्या है? दिस लाइज बिहाइंड द ऑप्टिकल स्ट्रक्चर एंड इंक्लूड द ग्रेटर पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल लोब. द ऑप्टिक नर्व सेकेंड क्रेनियल नर्व पास फ्रॉम द आई टू द दिस एरिया विच रिसीव एंड इंटरप्ट द इम्पल्स एज विजुअल इम्प्रेशन. तो क्या है सेकेंड जो नंबर की जो क्रेनियल नर्व है ऑप्टिक नर्व वो क्या करती है? विजुअल इम्प्रेशन बनाती है जिससे को क्या है अपने को विजुअलाइजेशन होता है. जो नेक्स्ट जो पॉइंट अपना क्या है? अदर एरिया ऑफ द सेरिब्रम. इसके अलावा कौन से एरिया हैं सेरिब्रम के? डीप विद इन द सेरिब्रम हेमिस्फीयर सेरिब्रल हेमिस्फीयर देर आर ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियाई या न्यूक्लियाई गैंग्लिया विच एक्ट एज रियली स्टेशन वेयर इम्पल्स आर पास फ्रॉम वन न्यूरोन टू द नेक्स्ट इन चैन. क्या है जो न्यूरोन्स हैं वो क्या है? एक चैन से नेक्स्ट चैन के अंदर क्या है? पास होते हैं. इंपॉर्टेंट मास ऑफ ग्रे मैटर इंक्लूड. इंपॉर्टेंट जो मास है ग्रे मैटर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है? अपने बेसल न्यूक्लिया इंक्लूड है, थैलेमस है और
हाइपोथैलेमस है। ये क्या है, इसके तीन इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, बेसल न्यूक्लियाई के ऊपर अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल।